मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नगराडंबर वासियो शत शत तुम्हें प्रणाम, नगराडंबर वासियो शत शत तुम्हें प्रणाम। मातृशक्ति के नाम है कविता की ये शान, मातृशक्ति के नाम है कविता की ये शान। महोत्सव का आयोजन है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है, अच्छा है। देखिए, मैं जब जब मुस्कुराता हूँ, माँ क्या चीज होती है वो दर्द बता रहा हूँ। मैं जब जब मुस्कुराता हूँ तो दुनिया मुस्कुराती है, मैं जब जब मुस्कुराता हूँ तो दुनिया मुस्कुराती है, मैं जब जब गीत गाता हूँ तो दुनिया गुनगुनाती है। वाह वाह। कोई ना पूछता सुनता तुझे क्या दर्द है गाफिल, मगर माँ है जो सपने में भी दुख की पूछ जाती है। वाह वाह। मेरी माँ है जो सपने में भी दुख की पूछ जाती है। तो माँ का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। और देखिए, एक दुआ देखेंगे कि राम अयोध्या में नहीं, राम अयोध्या में नहीं, मथुरा में नहीं श्याम, माँ के चरणों में बसे सारे तीर्थ धाम। तो सुबह लिखा है शाम लिखा है, सुबह लिखा है शाम लिखा है, सत्य प्रेम पैगाम लिखा है। जन्म दिया जिस माँ ने मुझको उसका दिल पर नाम लिखा है, उसका दिल पर नाम लिखा है। तो माँ एक ऐसी चीज है अक्षय जी, स्वागत। तो उसका दिल पर नाम लिखा है। आपके लिए गुणगान की रचना मैं देना चाहूंगा। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मरते दम तक माँ पुत्र के लिए क्या नहीं करती, सबसे पहले जाना। आज मेरी माँ को मरने हुए 7 महीना हो गए, आज माँ मुझे छोड़ गई, लेकिन माँ क्या दे गई वो मेरे पास दौलत है, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पहले देखेंगे कि जब से माँ रख कर मरी मेरे सिर पर हाथ, जब से माँ रख कर मरी मेरे सिर पर हाथ, तब से पल पल मिल रहा आप सभी का साथ, तब से पल पल मिल रहा मुझको सबका साथ। और माँ का दर्द क्या होता है बच्चे के प्रति, ये मैं एक देख रहा हूँ, वही मेरा भाई है आज। और माँ किस तरह से मेरा इंतजार करती थी, रात के 1 बजे 2 बजे भी थोक में रोटी बांध के रखती थी। और वही मेरा एक भाई है जो शायद ही कभी भूले भटके राम राम करता होगा। तो दर्द को मैंने लिखा 2 लाइन में, मैं दे रहा हूँ मातृशक्ति के लिए। रात में जब भी देर से आया बात न पूछी भैया ने, रात में जब भी देर से आया बात न पूछी भैया ने, सुबह हुआ तो पेट टटोला मेरी बूढ़ी, सुबह हुआ तो पेट टटोला मेरी बूढ़ी भैया ने। और रचना देखेंगे आप, अपना दूध पिला कर मेरा तन मन पुष्ट बनाया माने, अपना दूध पिला कर मेरा तन मन पुष्ट बनाया माने, जब भी मैं रोया चिल्लाया छाती से चिपकाया माने, उठवन चला गिरा पुचकारा चोट लगी सहलाया माने, धीरे धीरे बड़ा हुआ मैं
उंगली पकड़ चलाया माने, भूखी रही बाद में खाया, पहले मुझे खिलाया माने, गीले में सोई मैं तारी, सूखे मुझे सुलाया माने, बचपन में बीमार हुआ जब गहने बेच दिखाया माने, पंडित संत फकीरों से भी झाड़ फूक करवाया माने, नजर न लगे किसी की मुझको टीका रोज लगाया माने, घर से बाहर जब भी निकला सिर पर हाथ फिराया माने। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत सुंदर। पढ़ने गया पाठशाला में, ले ले कर्ज पढ़ाया माने, पास हुआ तो हर साई माँ, फेल हुआ समझाया माने, पास हुआ तो हर साई माँ, फेल हुआ समझाया माने, कभी झूठ बोला तो मारा, कभी झूठ बोला तो मारा, केवल सच सिखलाया माने, शादी योग्य हुआ की शादी, इंसा मुझे बनाया माने, सास बहू में तू तू मैं, कविता कैसे बनती है आज मैं आपको बता रहा हूँ। एक शंखचामा एक नटका, मेरे बीवी बच्चे आज भी बम्बई में रहते हैं, 10 साल हो गए शकल नहीं देखी मैंने, माँ से रोजाना रोजाम गुत्था गुत्था होती, गाली बदमी पर न जाने क्या क्या, मैंने बहुत समझाया, हाथ जोड़े पैर दिए ऐसा मत करे, लेकिन नहीं मानी, तो आज उसका रिजल्ट ये है कि शादी योग्य हुआ की शादी, इंसान मुझे बनाया माने, और मरते दम तक दी आशीषे, सदा ने बरसाया माने, मरते दम तक दी आशीषे, सदा ने बरसाया माने। और एक समाज का बहुत बड़ा दर्द है, अगर मैं चाहता हूं कि आपके गांव में आपके गांव वालों के लिए अगर वो रचना न दी जाए तो एक दर्द अधूरा रह जाएगा। हाँ, तो वो मैं देख रहा हूँ वर्तमान स्थिति क्या है, कि बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे शीतल की माँ को और पिताजी को देखा, इतना परिवार में इतना सम्मान माँ बाप के लिए शायद ही कहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो है आज स्थिति क्या हो गई हमारे समाज की, एक दर्द रचना के माध्यम से आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। बटवारे में खेत बट गए, घर के हिस्से चार हो गए, मातु पिता की धन दौलत पर बेटों के अधिकार हो गए, खूब कमाई की जीवन भर वृद्ध हुए बेकार हो गए, सब कुछ छीन लिया बेटों ने, मातु पिता लाचार हो गए, काया जर जर शिथिल हो गई, रोग लगे बीमार हो गए, मातु पिता की खटिया बाहर मानो चौकीदार। वाह स्वामी जी, वाह, अरे वाह स्वामी जी, एक बार जोरदार तालियां। मातु पिता की खटिया बाहर मानो चौकीदार हो गए, कभी एक परिवार पिता का आज कई परिवार हो गए, और एक समय के भोजन में भी सब सुत हिस्सेदार हो गए, बेटों के चर्चे घर बाहर ऊंचे कारोबार हो गए, और बुढ़े बुढ़िया की सेवा में नौकर रिश्तेदार हो गए, बुढ़े बुढ़िया की सेवा में नौकर रिश्तेदार हो गए, जीते जीना रोटी पानी मर कर भोज हजार हो गए, और गंगा में असुमी बिखरा कर सुत समझे उद्धार हो गए, गंगा में असुमी बिखरा कर सुत समझे उद्धार हो गए, मातु पिता की करे न सेवा पूत कपूत गवार हो गए, और मंदिर मस्जिद तीर्थ भटके मानो भव से पार हो गए, वाह स्वामी जी वाह, संस्कार दूषित पुत्रों के दूषित कर्म विचार हो गए, और गाफिल बूढ़े मातु पिता अब पुत्रों को ही भार हो गए, तो मात
मातृ शक्ति के लिए और आज के इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए सज्जन शीतल को मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ और उनके माता पिताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।